आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या फर्क होता है एक ऑक्सीजन सिलेंडर में और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में। ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक सिलेंडर है जिसमें एक प्रेशराइज्ड गैस भरी होती है। जिस तरीके से हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें प्रेशराइज्ड एलपीजी भरी होती है, कुकिंग गैस भरी होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन गैस भरी होती है। इसमें लिमिटेड वॉल्यूम होता है गैस का, सिलेंडर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा सिलेंडर उतनी ज्यादा आप उसमें गैस भर सकते हैं। वो लिमिटेड वॉल्यूम एक वक्त तक चलता है, उसके बाद उसको रिफिल कराने की जरूरत होती है। ये सिलेंडर मेटल का सिलेंडर होता है और इसकी शुरुआती कॉस्ट तो ऑफकोर्स कम होती है, लेकिन जितनी ज्यादा आप ऑक्सीजन पेशेंट को देंगे, जितनी ज्यादा उसको जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा इसका खर्चा बढ़ता रहता है। इसको चलाने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क के बीच में एक ट्यूब से इसको कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन सीधी मास्क के जरिए या पाइप के जरिए पेशेंट के नाक तक पहुंचाई जा सके। अब आते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मशीन होता है, जहां पर सिलेंडर तो सिर्फ एक वेसल है, एक सिलेंडर है जिसमें आप लिमिटेड वॉल्यूम तक गैस भर सकते हो। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक पूरी की पूरी मशीन है जिसमें रिफिल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ऑक्सीजन बनाती है। और बनाती क्या है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भरी पड़ी है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन कैप्चर करती है, उसको कंसंट्रेट करती है और फिर तकरीबन 95% से भी ज्यादा प्योरिटी के साथ ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंचाती है। इसको भी आप ऑक्सीजन मास्क से कनेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट की नाक तक ऑक्सीजन डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये हवा में से ही ऑक्सीजन बना रही है, तो ये थोड़ी महंगी पड़ती है, महंगी मशीन आती है। लेकिन अगर लंबे वक्त तक पेशेंट को ऑक्सीजन पे रखना है तो इसको रिफिल कराने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा आप अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इससे क्रिएट कर सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं। इसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, घर में जो हम आम बिजली यूज करते हैं उससे कनेक्ट हो जाती है। कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैटरी के साथ भी चलते हैं, बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे और लोगों तक भी ये पहुंचे। थैंक यू।